दोस्तों, मनुष्य के जीवन का तमाम हिस्सा समस्याओं से ही भरा पड़ा है। किसी के पास धन है तो समस्या है, किसी के पास धन नहीं है तो समस्या है। किसी के पास नौकरी है तो नौकरी होने से दुखी है, किसी के पास नौकरी नहीं है तो समस्या है। किसी की शादी हुई है तो अपना माथा पीट रहे हैं, किसी की शादी नहीं हुई है तो पागल हो रहे हैं। घर होते हुए भी किसी को बड़ा घर चाहिए, गरीब भी गरीबी में दुखी है और अमीर भी अमीरी से संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी लगती है। मान्यता ऐसी भी है, कहा जाता है संतों और बुद्धों के शरण में जाएं तो बौद्धिक ट्रिक से यूं आपकी तमाम समस्या चुटकियों में गायब कर देते हैं। दोस्तों, आप इस कहानी में कहीं मगन ना हो जाएं इससे पहले कि चैनल में सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक विख्यात गांव में एक विख्यात संत आए थे। वह संत किसी भी समस्या को दूर कर सकते थे। उनका विराट आभामंडल था, मुख पर सूरज की भांति गहन तेज था, दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। कई वर्षों तक जंगलों में बिना खाए सोए साधना किया करते थे और उनके पास हर किसी के प्रश्न का अभूतपूर्व उत्तर होता था, जिनसे लोग संतुष्ट होकर लौटते थे। उन्हें आशापूर्ण होकर कर्म करने का साहस मिलता था। जैसे ही उस गांव के लोगों को पता चला कि यहाँ एक दुर्लभ अद्भुत विद्वान संत आए हुए हैं, तो सभी लोग उस गांव के रहवासी संत के आसपास एकत्र हो गए। जिस कुटिया में संत विश्राम कर रहे थे, उस कुटिया के बाहर सुबह से मंडली लगाकर सभी लोग बैठ गए थे। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या संत को बताकर उपाय जानना चाहते थे। कोई बीमारी से पीड़ित था तो कोई गरीबी से दुखी था, कोई अमीर होने से परेशान था, कोई विवाहित होकर, कोई कुआरा होने से। इसी तरह उस भीड़ में लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे भी मौजूद थे। सब अपनी समस्याओं का उपाय जानना चाहते थे। संत अपनी कुटिया से बाहर आने लगे, तब इतनी भीड़ मच गई कि सब पहले मैं करके शोर मचाने लग गए। पहला नंबर लगाने की होड़ मच गई, क्योंकि सबको अपनी समस्या बड़ी लगती थी। नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा। अचानक संत चिल्लाए, खामोश। सब चुप हो गए और शांत हो गए। संत ने कहा कि मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। सभी एक साथ बोलने के बजाय सब लोग एक एक कागज पर अपनी समस्याएं लिख लाएं और मुझे दे दें। कुछ ही देर में संत के सामने कागजों का ढेर लग गया और सभी चिट को मिक्स कर दिया। संत ने उन सभी चिट को एक टोकरी में रखा और सभी को गोला बनाकर बैठ जाने को कहा। गोले के बीच में वह टोकरी रख दी गई। एक आदमी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, यहाँ से शुरू करके और एक एक कागज उठा लें, सब बारी बारी से आएंगे। ध्यान रहे, किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक एक करके आए और कागज उठा उठा कर अपनी अपनी जगह बैठ गए। संत ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, पर उसके बदले में कागज पर लिखी दूसरे की समस्या तुम्हारी हो जाएंगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी है, उसे दूर करवाकर कागज पर लिखी दूसरे की छोटी सी समस्या अपना लो। बस एक ही शर्त है, दूसरे की छोटी सी समस्या आपको अपनानी पड़ेगी। चाहो तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे, तब मेरे पास आ जाना। लोगों ने जब कागज पर लिखी समस्या पढ़ी तब वह घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल बदल कर और बार बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना कैसे कर पाएंगे। अगर कोई गरीब है तो उसके पास अंधे की चिट आ गई। गरीब सोचने लगा कि अगर वह अंधा हो गया जो रोजी रोटी भी कमाने लायक नहीं रहेगा। कोई अमीर है तो उसके पास गरीबी की चिट आ गई। गरीब आदमी अमीरी में कुछ दिन तो आनंद में जी लेगा, लेकिन अमीर आदमी गरीबी में तो बिल्कुल नहीं जी पाएगा। कुंवारे को भी अगर दूसरे की स्त्री मिल गई तो वह सोचकर ही आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह दूसरों की समस्या पढ़ और देख के कुछ ही देर में हर किसी को समझ आ गया कि उनकी समस्या दूसरों की समस्या से बहुत छोटी है। जैसी भी है वह उनके अपने जीवन का हिस्सा है और वे उनका सामना कर सकते हैं। दूसरों की समस्या देख सब लोग कुछ देर शांत और मौन हो गए। संत मुस्कुराए और उपदेश देते हुए कहने लगे
कि समस्या तो जीवन का हिस्सा है, इनसे घबराने की बजाय इनका सामना करना चाहिए। जो समस्या से घबराता नहीं है वही सफल होता है। सुख और दुख हो, आपको जो भी मिला है उसी में खुश रहना सीखें, क्योंकि दुनिया में हमारे दुख से बड़े कई दुख हैं जो हम नहीं अपनाना चाहेंगे। धैर्य और साहस से अपनी समस्याओं का सामना करें। समस्या के सामना करने से और अपनाने से उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख ही नहीं देती, जिंदगी का गहन दृष्टिकोण देती है। कई बार जब हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें लगता है कि भगवान ने सबसे बड़ी समस्या हमें ही दी है, बाकी लोग सुखी हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया में हर व्यक्ति की कोई ना कोई समस्या है, और जिसकी जो समस्या है वही उसे हल कर सकता है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, अस्तित्व हमें हमारी क्षमता से बड़ी कोई समस्या नहीं देता। जितना हम बर्दाश्त कर सकें उतनी ही हमें समस्या देता है। और जीवन में जो भी समस्या उत्पन्न होती है 100% हमारे कारण उत्पन्न नहीं होती। उसमें कुछ हमारे कारण, कुछ समाज के कारण और कुछ हमारे आसपास परिवार के कारण भी उत्पन्न होती है। इसलिए खुद को दोषारोपण करके, खुद की किस्मत खराब समझकर भी खुद को दोष देते रहना, खुद को हीन भावना से ग्रस्त करना है। समस्या का अधिकांश हिस्सा समाज और निजी परिवार के कारण भी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिनका सामना हमें ही करना होता है। और पृथ्वी पर जितनी भी दुनिया है, जितना भी समाज है, हर कोई इसमें शामिल है। हर कोई अपनी समस्याओं को जूझ रहा है। आप लोगों ने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। जब समस्या की अति हो जाती है तो जरूर कोई ना कोई आशा का किरण बनकर समस्या का हल लेकर आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। और जितने भी दुनिया में समस्या है, सब समस्या का एक ही मात्र उपाय है, वह है ध्यान। जो भी मन की काल्पनिक समस्या है, डर, चिंता, विषाद, दुख, आपके मन ने जो बुने हैं वह तो यूं ही गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। दोस्तों, कुछ समस्याएं अज्ञानता वर्ष खड़ी हो जाती है, उनका हल बहुत ही आसान होता है, सिर्फ कुछ जागरण से ही हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझे, किसी व्यक्ति का वजन 100 से 150 किलो हो गया है तो यह नई किस्मत का दोष है, नहीं समाज का दोष है, नहीं कुंडली का दोष है, या उस व्यक्ति की अपनी अज्ञानता का दोष है। समय के साथ चलना आज की सर्वोत्तम जीवन की जरूरत है। यही व्यक्ति अपने खाने पीने का, अपने शारीरिक श्रम का, अपनी डाइट का, इसे पर्याप्त ज्ञान होता तो इसका इतना वजन नहीं बढ़ता। इसका वजन इसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या नहीं बनती। अगर किसी के पास अत्यधिक परिश्रम करके धन आ भी गया और उसने अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा तो वही धन एक समय उसके जी का जंजाल ही बन जाएगा। तो दोस्तों, समस्या अलग अलग समय पर अलग अलग समस्या का समाधान अलग अलग ही हो सकता है। तो मित्रों, सम्यक ज्ञान का दायरा बढ़ाएं, सम्यक जीवन जीने की प्रेरणा लें और सम्यक निर्णय की क्षमता बढ़ाएं। यहीं से कई समस्या का समाधान आपको आपो आप मिल जाएगा। दोस्तों, सोचो, समझो और अमल करो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। मित्रों, ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा। दोस्तों, इस चैनल में अधिकांश वीडियो ध्यान के भी अपलोड किए गए हैं। जो लोग किसी ध्यान संस्था से नहीं जुड़े हैं और जो ध्यान नहीं जानते हैं वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और ध्यान का आनंद ले सकते हैं।